खुशियाँ अगर मार्केट में कहीं किसी दुकान पर अगर बिकती तो उस दुनिया के अंदर कोई भी इंसान दुखी नहीं होता, सब के सब लोग खुश होते। अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफ़ान खान स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मिस्टर अफ़ान खान में। दोस्तों, एक लड़का एक सेठ जी के यहाँ पर नौकरी क्या करता था, और वो लड़का पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ में सेठ जी के यहाँ पे काम करता था। सेठ जी उसको सैलरी देते थे, लड़का भी बहुत ज़्यादा खुश था और सेठ जी भी उसके काम से बहुत ज़्यादा खुश थे। ऐसे ही चल रहा था कि कुछ समय के बाद उस लड़के ने सेठ जी को बिना बताए छुट्टी कर ली, वो काम पर नहीं आया। तो सेठ जी को लगा कि ये लड़का मेरे यहाँ पर बहुत सालों से मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लड़के को सैलरी कम लगी हो जिसकी वजह से इसने मुझे बिना बताए छुट्टी कर ली। चलिए मैं ऐसा करता हूँ, इस लड़के की जो सैलरी है वो मैं बढ़ा देता हूँ, और अगर मैं सैलरी बढ़ा दूँगा तो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। अगले दिन जब वो लड़का काम पर आया तो सेठ जी ने बोला कि मैंने तेरी सैलरी बढ़ा दी है, लेकिन वो लड़का खुश नहीं हुआ, कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। सेठ जी को लगा कि यार मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी, ये एक्साइटेड नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो लड़का पूरी ईमानदारी से काम करता रहा मेहनत के साथ में। ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन फिर उसने बिना सेठ जी को बताए छुट्टी कर ली। तो इस बार सेठ जी को गुस्सा आया कि यार मैंने इसकी सैलरी बढ़ा दी, खुश नहीं हुआ था, और अब आज इसने फिर छुट्टी कर ली, तो इसकी सैलरी बढ़ानी नहीं चाहिए, काट देनी चाहिए। तो सेठ जी ने उसकी सैलरी कट कर दी, जितनी सैलरी पहले देते थे उतनी ही सैलरी दी। अगले दिन जब लड़का आया तो लड़के से बोले कि मैं तेरी सैलरी कट कर दिया हूँ, जितना तुझे पहले सैलरी देता था उतनी ही तुझे सैलरी मिलेगी। तो इस बार भी लड़के ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उदास नहीं हुआ, गुस्सा नहीं हुआ, वैसे ही ईमानदारी से मेहनत से जैसे पहले काम करता था वैसे काम करने लगा। अब ये देख के सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैंने इसकी सैलरी बढ़ाई तो ये खुश नहीं हुआ, और जब मैंने इसकी सैलरी कट कर दी तब ये दुखी नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो ये बात सेठ जी को कुछ हजम नहीं हुई, उन्होंने उस लड़के को बुलाया और बोले कि बेटा यहाँ पे आ, अच्छा एक बात बता, जब तू मेरे यहाँ पे नौकरी करता था, काम करता था, मैंने पहली बार तेरी सैलरी बढ़ा दी थी तो खुश नहीं हुआ था, और अब मैंने तेरी सैलरी कट कर दी तो दुखी नहीं हुआ, आखिर रीज़न क्या, वजह क्या है? तो जो लड़के ने जवाब दिया वो पूरी कहानी का सिरे है, आप लोग थोड़ा गौर से सुनना। उस लड़के ने उन सेठ जी को आंसर दिया कि सेठ जी, इसमें खुश और दुख होने की कोई बात नहीं है, दरअसल जब मैं पहली बार छुट्टी मारा था, छुट्टी लिया था, बिना बताए आपको रुका था, तब मेरे घर पे एक बेटे ने जन्म लिया था, यानी कि मेरे घर पे एक बेटा हुआ था, मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था, तो आपने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी, तो मुझे लगा कि मेरा बेटा अपने नसीब का लेके आया है जिसकी वजह से आपने सैलरी बढ़ा दी है, और दूसरी बार जब मैंने आपको बिना बताए छुट्टी मारी थी तो उस टाइम मेरी मम्मी का, मेरी माताजी का देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो आपने मेरी सैलरी कट कर दी थी, तो मुझे लगा कि मेरी जो मम्मी थी वो अपने भाग्य का, अपने नसीब का अपने साथ में लेके चले गई हैं, तो उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं थी। जब सैलरी बढ़ाई तो बेटा पैदा हुआ था, तो मुझे लगा अपने नसीब का लेके आया था, जब आपने सैलरी कट करी तो मेरी मम्मी का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, वो इस दुनिया से चली गई, तो मुझे लगा कि वो अपनी रोजी रोटी भी अपने साथ में लेके चली गई हैं। तो दोस्तों, कि खुशियाँ अगर कहीं दुकान पर बिक रही होती तो सारे के सारे लोग खुशियाँ खरीद लेते, कोई भी इंसान दुखी नहीं होता, सब के सब खुशी होते हैं। दरअसल कभी कभी हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको खूब सारा पैसा मिले, या आप बहुत ज़्यादा खुश हों, या आपको मतलब ऐसा मान लीजिए कुछ अचानक कुछ प्रॉपर्टी मिल जाती है, कुछ पैसा मिल जाता है, कोई कामयाबी मिल जाती है, तो कभी भी उस पर आप घमंड मत करना, कभी भी तकब्बुर घमंड नहीं करना। और कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, या आप कभी टेंशन में हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैं आपको बताऊं कि एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने वजीर से ये बोला कि सामने वाली दीवार पे आप कुछ ऐसा लिखो कि मैं उदास हूँ तो खुश हो जाऊँ, और खुश हूँ तो उदास हो जाऊँ। तो वजीर ने दीवार पे क्या लिखा दोस्तों, वजीर ने दीवार पे लिखा कि ये वक्त भी
गुजर जाएगा। जब आप परेशान हो तो ध्यान रखना कि ये सदा रहने वाला नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब खुश हो, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो, तो घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना, क्योंकि घमंड और तकब्बुर तो बड़े बड़े लोगों का भी नहीं रहा। तो ये कहानी आपको यही सिखाती है कि आपको हर हाल में जीने का हुनर होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।